13 पार्लियामेंट की मीटिंग पार्लियामेंट वाइज हुई है और पूरा 6-7 घंटे का हर पार्लियामेंट की लीडरशिप से अलग अलग बातचीत के बाद जो पैनल है, हर पार्लियामेंट पे चार चार कैंडिडेट का जो पैनल है उस पे आम राय बनाने के लिए सभी पार्टी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि पैनल आपका बहुत बड़ा है, उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी की टिकट पे लड़ने के लिए चार चार पांच पांच बहुत ज्यादा हैं, इन्हें कृपा करके आने वाले 1 महीने में इनको शॉर्टलिस्ट किया जाए और शॉर्टलिस्ट अगर आम राय से हो जाते हैं तो अच्छा है। तो जैसे बहुत सारी पार्लियामेंट ने पार्टी हाईकमांड को अधिकारित कर दिया गया है कि पार्टी हाईकमांड जो फैसला लेगी वो सर्वमान्य हो। 13 फरवरी को जिस दिन पंजाब का किसान भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा उस दिन पूरे पंजाब के बहुजन समाज पार्टी की मंथन मीटिंग चंडीगढ़ में हमने करी थी और उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने 700 से ज्यादा किसानों को जो आंदोलन पहले हुआ था पिछले समय में 700 से ज्यादा किसान इसमें शहीद हुए थे और आज फिर किसान बेघर हो रहा है, उस समय भी किसान बेघर हुआ था और किसानों को पंजाबियों को ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादी बोल रही थी, खालिस्तानी बोल रही थी, परजी भी बोल रही थी। तो उस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों में प्रचंडता से पूरे देश में लगी हुई है। तो अकाली दल जो पंजाब और पंजाबियत के हकों को, पंजाब और पंजाबियत के मान सम्मान को छिक्कों पे टांग हुए, किसानों को मारने वाली, किसानों को बेघर करने वाली और पंजाब के पंथक मुद्दों को हल न करने वाली भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी घुटने टेकने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से संविधान बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी संविधान की रक्षा के लिए, किसानों के आत्मसम्मान के लिए, पंजाबियत के आत्मसम्मान के लिए वो अकाली दल की तरह घुटने नहीं टेकेगी, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेगी। देखो बहुजन समाज पार्टी किससे हाथ मिलाएगी, किससे हाथ किसका हाथ छोड़ेगी, इसका फैसला बहन कुमारी मायावती जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये वो करेंगे, उन्हीं के हाथ में ये फैसला है। और माननीय सुखबीर बादल जी जो अध्यक्ष हैं श्रोमणी अकाली दल के, उनको हमने 6 महीने पहले से कहा था कि केंद्र की वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये हमेशा पंजाब विरोधी रही हैं, हमें पंजाब में पंजाबियों के हितों वाली जो पार्टियां हैं, गरीब की, मजदूर की, दलित की, पिछड़े की, पंजाब की बात करने वाले पार्टियां, छोटे छोटे दल हैं जो पंथ की भी बात करते हैं, इन सबको साथ में लेकर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक महागठबंधन बनाना चाहिए, पंजाबियों का महागठबंधन। लेकिन माननीय सुखबीर बादल जी इस दिशा में बढ़ नहीं सके, ये उनकी कमजोरियां हैं, उनकी पार्टी की कमजोरियां हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बीएसपी द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें कहा था कि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं रखेंगे, लेकिन अकाली दल ने अभी तक ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि बीएसपी के साथ उनका गठबंधन है या नहीं। पर चर्चाएं ये भी है कि जब जो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन भी हो सकता है। देखो बहुजन समाज पार्टी किसी भी उस दल में शामिल नहीं होगी जहां पर संविधान विरोधी, किसान विरोधी, सिख विरोधी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का ये स्पष्ट निर्देश है कि देखो अब पंजाब के लोग सिख मुद्दों पे लड़ रहे हैं, मोहाली में बंदी सिखों की रिहाई का मोर्चा लगा हुआ है, पंजाब में अमृत संचार की बात पंजाब के लोगों ने करी तो उनको उठा के 3,000 किलोमीटर के लगभग जेलों में फेंक दिया गया और बंदी सिख जो पिछले सजाएं भी पूरी कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं छोड़ रही, जो लोग बलात्कार करते हैं गोधरा कांड का जो गुजरात वाले उनको तो पिछली 15 अगस्त को छोड़ दिया, जो कौम के लिए देश के लिए लड़ मर रहे हैं उनको उनके कहते ये बात मत करो। नहीं, अकाली दल के साथ अगर अकाली दल बंदी सिखों को कैद रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहता है, पंजाबी नौजवानों के ऊपर एनएसए ठोकने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल जाना चाहता है, अगर अकाली दल किसानों को बेघर करके किसानों की जमीन छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहता है, तो भाई बहुजन समाज पार्टी
तो अकाली दल के साथ कुएं में छान नहीं मार सकती। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट नजरिया है, हम पंजाब के साथ हैं, किसान के साथ हैं, सिख नौजवानों के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पंजाब का एक भी मुद्दा ना हल कर पाने के कारण हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से उनकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। बीएसपी क्या पंजाब की 13 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी? अभी तक का, आज तक का जो निर्देश है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से स्पष्ट है कि पंजाब में बहुजन समाज पार्टी 13 की 13 सीटों पे लड़े। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के साथ छोटे छोटे जो दल हैं वो उन्होंने संपर्क किया था कि 2019 की तरह कोई पीडीए टाइप कोई छोटा महागठजोड़ बना लिया जाए जो नॉन कांग्रेस हो, नॉन बीजेपी हो और नॉन अकाली दल हो। और हमने उनसे बातचीत भी चलाई थी और वो बातचीत का जो पूरी रिपोर्ट है वो माननीय बहन जी को भेज रखी है। जो माननीय बहन जी फैसला देगी, अगर बहन जी कहेगी अकेले लड़ेगा तो अकेले लड़ेंगे, अगर बहन जी कहेगी कि सब पार्टियों का गठजोड़ बना लो तो वैसा भी करेंगे। लेकिन हम आज जो पार्लियामेंट की 13 की मीटिंग करी है, हमने कोशिश करी है कि 13 की 13 सीटों पे आने वाले एक हफ्ते में कैंडिडेट हमारे फाइनल हो जाए।